नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग दो। भाग एक पहले ही हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारी 9500+ एमसीक्यू की सीरीज है, जिसका भाग दो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? Shift+R, Shift+I, Ctrl+J या Ctrl+I? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, Ctrl+J। जस्टिफाई करने के लिए हम Ctrl+J को यूज़ करते हैं। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप इसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो टैब का, बैक स्पेस का, डिलीट का या स्पेस बार का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टैब। टैब की काम इसमें उपयोग करते हैं। किस कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं? निम्न में से वह कौन सा कमांड है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं? चेंज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट या नॉन ऑफ एबव? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट। निम्न में से किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाने के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा कमांड? डिलीट, डिलीट ऑल, क्लियर या क्लियर ऑल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिलीट। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फाइल को सेव एज करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? Ctrl+E, Ctrl+Shift+F12, Ctrl+F12 या फिर F12? तो फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+S का यूज़ करते हैं और फाइल को सेव एज करने के लिए हम F12 की का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, F12। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपर स्क्रिप्ट या फिर बोल्ड इटैलिक? तो इसमें से जो फॉन्ट का स्टाइल नहीं है वो है सुपर स्क्रिप्ट। बाकी सभी फॉन्ट के स्टाइल हैं, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक, ये सभी फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट इसका स्टाइल नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुपर स्क्रिप्ट। फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? Ctrl+I, Ctrl+S, Ctrl+R या Ctrl+P? तो फाइल को प्रिंट करने के लिए हम कीबोर्ड में जो की प्रेस करते हैं वो होती है Ctrl+P। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को कहा जाता है? स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार या एंड बार? तो जो सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार होती है वो होती है टाइटल बार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जबकि जो सबसे नीचे बार होती है वो होती है स्टेटस बार। सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार होती है टाइटल बार। एमएस वर्ड में किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में फॉर्मेटिंग के बिना नज़र आता है? जब हम किसी डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करते हैं और उसका व्यू देखते हैं तो वो बिना फॉर्मेटिंग के नज़र आता है, ऐसा कौन सा व्यू होता है? नॉर्मल, वेब लेआउट, आउटलाइन या डेस्कटॉप? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आउटलाइन व्यू। एमएस वर्ड के किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है? सेलेक्ट, सेलेक्ट पेज, सेलेक्ट ऑल या सेलेक्ट स्पेलिंग? तो एमएस वर्ड में जो कमांड है पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो होती है सेलेक्ट ऑल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? डॉस, विंडोज, एमएस वर्ड या लाइनेक्स? तो जो निम्नलिखित में से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है एमएस वर्ड, जबकि डॉस, विंडो और लाइनेक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड इसमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस कमांड की सहायता से पैराग्राफ के पहले अक्षर को लिखे शब्दों की अपेक्षा बड़ा बनाया जाता है? रेफरेंस, ड्रॉप कैप, बैक स्पेस या नॉन ऑफ एबव? तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्रॉप कैप, जिसकी सहायता से पैराग्राफ के पहले अक्षर को लिखे शब्दों की अपेक्षा बड़ा बनाया जाता है। ऑप्शन होगा इसका आंसर बी, ड्रॉप कैप।
चेंज केस कमांड के ऑप्शन कौन कौन से हैं? सेंटेंस केस, अपर लोअर केस, टॉगल केस या ऑल ऑफ अबव? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किसी शब्द को गहरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जस्टिफिकेशन, एम्बोल्डिंग, वेरिएंटल अलाइनमेंट या फिर ऑल ऑफ अबव? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल या ए और सी दोनों? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्प्लिट सेल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं? माउस का, कीबोर्ड का, ए और बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों का, जिसकी सहायता से हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, माउस और कीबोर्ड दोनों की ही सहायता से। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। कौन सी कमांड डॉक्यूमेंट में लिखे शब्दों की स्पेलिंग जांच करने के काम आती है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेल चेक, लैंग्वेज या नॉन ऑफ अबव? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो कि स्पेलिंग जांच करने के काम आती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पेलिंग एंड ग्रामर, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू, हेडलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू या आउटलाइन व्यू? तो एमएस वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में किसे बदला जा सकता है? टेक्स्ट फॉर्मेट, ग्राफिक्स को, फुटनोट, एंड नोट, ग्राफ एनोटेशन या फिर ऑल ऑफ अबव? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। निम्न में से वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, वर्ड परफेक्ट या फिर ऑल ऑफ अबव? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी इसके आंसर हैं, ये सभी वर्ड प्रोसेसर हैं। एमएस वर्ड में अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए निम्न में से किस स्टेप पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं? इंसर्ट, होम, पेज लेआउट या डाटा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा होम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिसकी सहायता से हम पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर निम्न में से क्या स्वतः प्रदर्शित होता है? टास्क बार, मिनी बार, मिनी टूल बार या फिर मेन्यू बार? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मिनी टूल बार, जो कि एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर स्वतः ही प्रदर्शित होता है, वो होता है मिनी टूल बार। वर्ड में कन्वर्ट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेबल को टेक्स्ट में बदलने के लिए, टेबल को टेबल में बदलने के लिए, टेक्स्ट को टेक्स्ट में बदलने के लिए या फिर उपरोक्त सभी बदलने के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है टेबल को टेक्स्ट में बदलने के लिए वर्ड में कन्वर्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रभाव टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं? हिडन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट या फिर नॉन ऑफ अबव? इनमें से कोई नहीं। तो जो हिडन वाला है प्रभाव वो हम टेक्स्ट को नहीं दे सकते, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हिडन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।